Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Please subscribe. Today we are going to read about Ben Jonson, the English playwright. Let's start. He was an English playwright and poet whose artistry exerted a lasting impact upon English poetry and stage comedy. Kevoik angrezi drama nigar or shairtha, jisne angrezi or comedy peh asrat maratab ही वर्क एज अ ब्रिक क्लेयर लाइक स्टेप फादर कि वो अपने सौतीले वालद की तरह म्यांमार की हैसियत से भी काम करता रहा इन सिक्सटीन हंड्रेड एंड सिक्सटीन जॉनसन रिसीव अयरली पेंशन ऑफ हंड्रेड मार्क्स कि किंग जेम्स वन जो उस ज़माने में इंग्लैंड का बादशाह था और जिसके पीरियड को जेकोबियन पीरियड कहा जाता है उसने जो है सौ मार्क्स या साठ पाउंड उसका वजीफा मुकर किया लीडिंग सम टू आइडेंटिफाई हिम एज इंग्लैंड फर्स्ट poet laureate, कि इसलिए कुछ लोग उसे पहला poet laureate भी समझते हैं अगरचे poet laureate के उहदे का बाकायदा आगाज सोलह सौ अट्ठासी में हुआ जब ड्राइडन को मुकर किया गया पोइट लारीट क्या एक टाइटल है जो किसी अमानंट पॉइट को दिया जाता है और इस टाइटल की बुनियाद पर उसे ब्रिटिश रॉयल हाउस होल्ड का मेम्बर कंसिडर किया जाता है सर्वड एज अ सोल्जर इन फ्लैंड लू कंट्रीज फ्लैंडर्स लो कंट्रीज ये हिस्टोरिकल नेम है अलगजमबर्ग का नेदरसलैंड का और बेल्जियम का और यहाँ पे वो सिपाही की हैसियत से लड़ता रहा बी केम एन एक्टर इन प्ले राइट विद लो कंट्रीज इन 1597 के पंद्रह सौ में उसने उसी दौर में बतौर अदाकार और ड्रामा निगार अपने कैरियर का आगाज किया एज एन एक्टर जॉनसन वज द प्रोटेगोनिस्ट हीरा नीमू या इसे जीरा नीमू भी पढ़ा जाता है इन द प्ले द स्पेनिश ट्रेजडी की जो प्ले था स्पैनिश ट्रेजरी जिसे थॉमस किड ने लिखा इसमें उसने हीरा नीमू का किरदार प्ले किया जो प्रोटेगोनिस लीडिंग कैरेक्टर था इस प्ले का और प्ले में वो नाइट मार्शल था स्पेन का स्पैनिश ट्रेजेडी क्या है ये सबसे पहला इंग्लिश रिवेंज प्ले है जिसे थॉमस किड ने लिखा था और यहीं से थिएटर में इस रिवायत की बुनियाद पड़ी थी बाद में शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा किट को फॉलो करते हुए और हेमलट आपको बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल ड्रामा है ही was imprisoned फॉर राइटिंग द स्टेरिकल प्ले द Isle ऑफ डॉग्स के पंद्रह सौ सतानवे में उसने थॉमस नाश जो एक यूनिवर्सिटी विट था थॉमस किट की तरह के साथ मिलकर लिखा था इसमें जो है शायद उसने मजाक उड़ाया था गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का या मलका एलिजेथ के कोर्टियर्स का इसलिए फिर प्रिवी कौंसल ने इसे बैन कर दिया था जॉनसन को जेल की हवा खानी पड़ी थी और थॉमस नैश जो है वो लंदन छोड़ के फरार हो गया था लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइट ही केल द फेलो एक्टर गेब्रियल स्पेंसर इन अ डूल एस्केप द एग्जीक्यूशन विद इज वेट इन सिक्सटीन जीरो टू कि उसके हाथों जो है डुएल में एक साथी अदाकार मारा गया मगर वो अपनी हाजिर जवाबी की बुनियाद पर बच गया इन 1605, जीरो फाइव ही वॉज इम्प्रेजेंट थर्ड टाइम फॉर इज वर्क विद जॉन मर्स्टन एंड जॉर्ज चैपमेन अंड ईस्टवर्ड हो तो बहुत सारे नाम हैं मैं सबकी तफसील आपको बारी बारी बताता हूँ कि उसे तीसरी दफ़ा जेल की हवा खानी पड़ी ईस्टवर्ड हो जो है लिखने की वजह से ये ड्रामा उसने जॉन मर्स्टन और जॉर्ज चैपमैन के साथ मिलकर लिखा तो जॉन मर्सटन कौन था ये भी जेकोबियन पीरियड का एक पॉइट और प्ले राइट था और जॉर्ज चैपमैन ये भी एक प्ले राइट और पोइट था उसी जमाने का और ये ट्रांसलेटर भी था इसे रहनेसान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर भी समझा जाता और जॉन कीट्स ने जो है इसके मतलब एक नज लिखी थी अठारह सौ सोलह में जो सोनेट थी और उसका वन था अन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमेन्स होमर क्योंकि चैपमैन ने होमर को ट्रांसलेट किया था सबसे पहले इंग्लिश में और ये जो ईस्ट वर्ड हो है ये एक कॉमेडी थी जिसे सिटी कॉमेडी कहा जाता है और इसका सेंट्रल कैरेक्टर जो है टेच स्टोन नामी एक इंग्लिश गोल्ड था और उसके दो अप्रेंटिससेस क्विक सिल्वर और गोल्डिंग इसमें उसने जो है उस ज़माने के सोशल कस्टम्स का मजाक उड़ाया था और इसमें कुछ जो है एंटी स्कॉशिश स्कॉटिश एलिमेंट भी था जिसकी वजह से जेम्स सन, जेम्स वन को गुस्सा आया और उसने ड्रामे को बैन कर दिया और इन लोगों को जेल जाना पड़ा और ये जो ईस्टवर्ड वर्ल्ड हो है इसके बारे में एक और बात कि ये वेस्टवर्ड वर्ल्ड हो के जवाब में लिखी गई वेस्टवर्ड वर्ल्ड हो जो है ये भी एक सिटी कॉमेडी थी जो 1604 में थॉमस डेकर और जॉन वेब्स्टर ने लिखी थी डेकर भी एक एलिजीथ ड्रामाटिस्ट था और पम्फलेटियर था और जॉन वेब्स्टर भी एक मशहूर जे ड्रामाटिस्ट था जिसका प्ले डचेज ऑफ मल्फी जो है वो नहायत मशहूर है हीरोट मास्क फॉर प्राइवेट परफार्मेंसेज इन किंग जेम्स कोट मास्क कहते हैं एक फेस्टिव या कोटली एंटरटेनमेंट को कि जिसमें डांस और सॉन्ग इन्वॉल्व होता है और जो कैरेक्टर्स हैं वो मास्क पहन के स्टेज पर आते हैं तो उसने बहुत सारे मास्क पर लिखे क्योंकि ये उस जमाने की रिवायत थी बादशाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए एपिग्राम एंड द फॉरेस्ट एर द पोइटिक कलेक्शंस बाय कि ये उसके शायरी के मजमू हैं ही कोर्ल्ड बिटरली वि जॉन्स हि स्टेज डिजाइनर एंड ऑल्सो क्वल्ड विद मर्स्टन इन डेकर इन वार ऑफ़ द थिएटर्स वार ऑफ़ द थिएटर्स जो है वो इंग्लिश लिट्रेरी हिस्ट्री में एक कॉन्फ्लिक्ट था एलिजीथन ड्रामा टेस्ट के दरमियान जिनमें बेन जॉनसन मर्स्टन और डेकर शामिल था और ये जो है पंद्रह सौ निन्यानवे और सोलह सौ के दरमियान पेश आया इसमें जो बुनियादी डिबेट थी वो यही थी कि थिएट्रिकल राइटिंग की नेचर और फंक्शन जो है वह क्या होना चाहिए एवरी मान इन इज ह्यूमर मेड हिम अलिब्रिटी ये मशहूर प्ले था और इस वजह से वो बेहद मशहूर हो गया इसकी डिटेल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ही वॉज ए लिटरी डिकटेटर एट द मर्मेटर के वो डिकटेटर की हैसियत से डिकटेटर वे जो लिखवाता है प्ले ही वॉज बर्नड इन वेस्ट मिनिस्टर ए बी विद एपीटैफ ओ रेयर बेन जॉनसन वेस्ट मिनिस्टर ए बी एक सेमीट्री है जहाँ पर इसे दफन किया गया एक्चुअल ये एक मोनेस्ट्री थी और इसमें एक पोइट्स कॉर्नर है जहाँ पे बहुत मशहूर जो है अंग्रेज़ शोरा दफन है और एपीटैफ कहते हैं ये जो कोमामोरेटिव इंस्क्रिप्शन लिखी जाती है टोम पे कतबे पे जो इबारत कंदा की जाती है उसे हम कहते हैं द वर्कस ऑफ जॉनसन अपियरड इन फोलियो फॉर्मेट इन सिक्सटीन के सोलह में फोलियो की शक्ल में उसका काम शायब हुआ फोलियो क्या है ये ऐसी किताबें दैट इज़ मेड ऑफ पेपर ऑफ अलॉर्ट साइस ख़ास तौर पर जो यूरोप में पहले पहल किताबें शाये हुई उनका फॉर्मेट यही हुआ करता था नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑनर्ड एंड बेन जॉनसन ऑनर्ड आप जानते हैं वो खुद एक विक्टोरियन क्रिटिक और पॉइट था रोट अ पॉइम एंड जॉनसन एन टाइटल्ड एन वॉट टू बेन जॉनसन कि उसने बेन जॉनसन के नाम नस्म लिखी थी उसकी स्टार्टिंग लाइन हैं ए बेन से हाउ और वेन शल वी दाई गेस्ट मीट इट दो लिरिक फीस्ट मेड इसन द डॉग द ट्रिपल टन ऑनल ओल्सो रोट अ बुक द इंग्लिश पोइट बेन जॉनसन टू ब्राइडन के उसने जो है किताबें लिखी जिसमें जॉनसन से लेके बेन ब्राइडन तक अंग्रेज शोरा का तस्करा था अलेक्डर पोप से जॉनसन ब्रॉड क्रिटिकल लर्निंग इन टू वोक पोप ने कहा था कि उसने जो है वो कहते हैं इन फैशन के क्रिटिकल लर्निंग का आगाज़ किया By 1597, he was writing for Philip Henslow's theatrical company. Henslow जो है वो बड़ा important जो है Elizabethan जो है entrepreneur के लिए और theatrical manager के जिसने English drama की golden age का आगाज किया तो उसकी company में शामिल हो गया In the same year, Henslow asked Ben to finish Thomas Nash, The Isle of Dogs, and Johnson was jailed for it. कि उसने उसको ख़त्म किया play को दोबारा मतलब लिखा मगर उसे फिर जेल की हवा खाना पड़ी लाइक like रिवॉल्यूशनरी था जिसने उस जमाने की लिटरेरी कन्वेंशन से बगावत कालम बुलंद किया लाइक डेन अंगेंस्टिस्टिकॉयमिस्टिक आइडियल क्लोज इमिटेशन ऑफ द क्लासिक्स तो उसने जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर था उसको फॉलो किया पूरी तरह से इन लेटर इन द थर्ड कलेक्शन ऑफ पोइट्री अंडरवर्ड अपड पोस्टू मस्टली इन दिक्कसटीन फोर्टी एडिशन ऑफ हिस्स वर्क उसकी मौत के बाद इसका एडिशन छाया हुआ जॉनसन इन इज एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर ये उसका दूसरा प्ले है डिस्क्राइब टू काइंड ऑफ ह्यूमर्स एक ट्रू ह्यूमर और एक एडोप्टेड ह्यूमर ट्रू ह्यूमर क्या है कि जिसमें वन पिक्यूलियर क्वालिटी पुजेस्ड अ मैन बॉडी एंड सोल के एक आदमी में ए की खूबी होती है मतलब बाकी खूबियाँ क्या हैं वो उस खूबी के मुकाबले में कम पड़ जाती हैं या मान पड़ जाती हैं इसलिए अगर आप एक ही खूबी पर मुशतम कैरेक्टर को पेश करेंगे तो वो वन डायमेंशनल होगा और उसे हम कैरी कैचर भी कह सकते हैं और अडोप्टेड ह्यूमर क्या था कि जिसमें अ मैन वेंट आउट ऑफ हिज वे टू अ सिंगुलर बाय इफेक्टिंग सर्टेन फैशन ऑफ क्लोदिंग स्पीच एंड सोशल हैबिट्स क्या मैनर मैनरिज्म अडॉप्ट करके ख़ुद को जो है साबित करने के चक्कर में होता है ड्राइडन कॉल द लेटर प्लेस ऑफ जॉनसन एज डूटेजेस एज दे आर नॉट वेल रिसीव्ड ड्राइडन ने कहा कि ये डूटेज़स थे डूटेजस वैसे लफ्जी मतलब है ओल्ड एज तो हम कहते हैं ना कि ओल्ड एज में हमारी सलाहियतें क्या हैं वो मुतासर होती हैं तो ड्राइडन के मुताबिक जो है उसका ये काम क्या है वो बहुत अच्छा नहीं था मगर उसने जॉनसन जौन, की बेहद तारीफ भी की है वो लिखता है किफ़ आई वुट कम्पेयर हिम विद शेक्सपियर आ मस्ट टेक्नोलॉज हिम द मोस्ट करेक्ट पोइट बट शेक्सपियर द ग्रेटर वेट विट आप जानते हैं क्या होता है so, कि फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट ह्यूमर है इट मेक कम्बाइन वर्ड प्ले विथ कंसेप्चुअल थिंकिंग तो इसलिए उसने कहा कि शेक्सपियर ज़्यादा विटी है शेक्सपियर वॉज द होमर और फादर ऑफ आर ड्रामेटिक पोएट्स जॉनसन वॉज द वर्जल द पैटर्न ऑफ एलेबोरेट राइटिंग आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर उसका एक ऐसे था ड्रामेटिक पोजी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे किसी अगले लेक्चर में तो उसमें उसने तारीफ की थी जॉनसन की अगरचे उसने शेक्सपियर को जॉनसन से बड़ा आर्टिस्ट करार दिया टी एस एलियत ने भी बेन जॉनसन के मुतल लिखा जो खुद एक मॉडर्न पोइट और लिटरेरी क्रिटिक था द रेपेशन ऑफ जॉनसन हैज़ बिन ऑफ द मोस्ट डेडली काइंड दैट कैन बी कम्पल्ड अपन द मेमोरी ऑफ अ ग्रेट पोइट जॉनसन फील्ड एज अ ट्रेजिक ड्रामाटिस्ट उसने कहा उसने ट्रेजडीज अच्छी नहीं लिखी क्योंकि उसकी शहरत बतौर कॉमेडी राइटर की थी जॉनसन इज द लिजिटी मेच हियर ऑफ मॉर्लो अगरचे उसने कहा कि उसने मॉर्लो की जो ड्रामेटिक ट्रेडिशन थी उसको आगे बढ़ाया जॉनसन वर्क इज आप सरफेज केयरफुल एवॉडिंग द वर्ड सुपरफिशियल उसने कहा कि अगरचे उसका काम जो है वो इतना प्रोफाउंड नहीं है इतना डीप नहीं है जॉनसन बिहेव द ग्रेट क्रिएटिव माइंड दैट ही वॉज ही क्रिएटेड हिज ओन वर्ड अ वर्ड फ्राम विच इज फॉलोअर्स एज वेल एज इज ड्रामाटिस्ट हु ट्राइंग टू डू समथिंग होली डिफरेंट और एक्सक्लूडेड मतलब फिर वही बात जो हमने की है कि वो जो है एक्सेंट्रिक था और उसने जो है अपने ज़माने की लिट्ररी ट्रेडिशन से बगावत की थी तो एलियट भी यही जो है ख़यालत बयान करता है कि जॉनसन जो है वो एक लिट्ररी रेवोल्यूशनरी था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ये जो है बहुत मशहूर जो है आप समझ लें उसका प्ले भी था और ये टर्म है जो जॉनसन के हवाले से इस्तेमाल की जाती है कि ड्रामेटिक यौनरा है और इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विथ बेन जॉनसन कि ये जो है लेटन टर्म से निकला है जिसका मतलब है लिक्विड और इसे जो है मडीवल और रेनेसा मेडिकल थेरी में बयान किया जाता है कि इंसानी जिसम में जो है चार लिक्विड्स का बैलेंस होता है एक को आप जो है ब्लड कहते हैं दूसरे को फ्लैम तीसरे को येलो बाइल कोलर और चौथे को ब्लैक बाल और मालन कॉली तो मेडिसिन ये कहती थी कि इन चारों का बैलेंस जो है वो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है तो उसने इसी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स पर फिर प्ले लिखा और उसका नाम भी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स था इन दिस टेक्निक एन इंडिविजुअल इज मार्क बाय वन कैरेक्टरिस्टिक डिस्टोर्शन आर एक्सेंट्रिसिटी बेस्ड ऑन वन ऑफ द फोर ह्यूमर्स कि इन्हीं चार ह्यूमर्स पर बेस उसने कैरेक्टर क्रिएट किए मगर ये कैरेक्टर ज़्यादातर वन डायमेंशनल थे ये उस तरह से नहीं थे जैसे शेक्सपियर के कैरेक्टर्स थे जो इंतहाई जो है मल्टी डायमेंशनल थे तो इसमें पहला है ब्लड एड सेंग्विन सेंग्विन कहते हैं ऐसे बंदे को जो खुश पाश होता है प्लेयर सेकिंग कह लें या सोशियबल कह लें या चेयरफुल कह लें या रेडी फेस्ड कह लें फिल्म जिसमें मतलब रिलैक्स या क्वाइट नहीं बल्कि हम इसे जो है स्लगे और इनसेंसिटिव भी कह सकते हैं और कोलर और येलो बाइल जो मतलब बैड टेम्पर्ड हो इरिटेबल हो ड्रम्पी हो या फिर एम्बिश या लीडर लाइक क्वालिटीज़ हो मालिन कॉली या ब्लैक बाइट जिसमें जो इंट्रोवर्टेड हो या थाटफुल हो तो आई थिंक ये लेक्चर जो है बड़ा एग्जॉसटिव था इसमें आपने बहुत ज़्यादा बातें सीखी होंगी यकीन आप उनको याद भी रखेंगे तो इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम बैन जॉनसन के जो इम्पोर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे टिल देन अल्लाह हाफ स्टे ब्लेस स्टे हैप्पी